चित्तौड़गढ़ से खबर है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़ा हादसा हो गया है। हिंदुस्तान जिंक में एसिड से भरा टैंक फट गया है। एक कर्मचारी की मौत हो गई है, वहीं 9 झुलस गए हैं। झुलसे हुए कर्मचारी को अस्पताल भेज दिया गया है, सभी का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से, जहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 9 लोग जो है घायल भी हो गए हैं। तो ये तस्वीरें जहां देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में एसिड से भरा टैंक फट गया। निश्चित रूप से कई लोग हताहत हुए हैं, घायलों को उदयपुर भेजा है। आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या लापरवाही की ऐसे ऐसे इतने लोगों के लिए इस प्रकार का हादसे का शिकार हुए। पूर्व में भी बिरला सीमेंट में इस प्रकार का हादसा हुआ और वहाँ के उन परिवारों को अभी भी वो परेशान है। ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज हो, हम सब लोगों की यही जिम्मेदारी है। ये खबर आई हमारे पास में कि वहाँ कोई एसिड का टैंकर है, वो फट गया। फटने से कुछ आदमी जल गए हैं, तो उनको सबको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। 9 आदमी अभी तक आए थे, 9 के 9 सारे लोग उदयपुर शिफ्ट किए हैं यहाँ से, जिनमें से 4 की हालत थोड़ी गंभीर है। अभी आसपास के लोग ये कह रहे हैं वहाँ कोई आकाश से बिजली गिरी है और उससे ये फट गया। बाकी तब डिटेल जब जांच होगी तभी पता चलेगा। देखिए, मैं यहाँ चित्तौड़ शहर के अंदर ही था और मेरे पास एक फोन आया हमारे यूनियन के एक पदाधिकारी का कि हिंदुस्तान जिंक अपने प्लांट में एक हादसा हो गया है, एसिड से कुछ लोग झुलस गए। तो ये बहुत ही दुखद है। यहाँ मैंने आके देखा कि उसमें 2-4 लोग ज़्यादा जले हुए थे और 2-3 को कम थी और 1 की डेथ हो गई है। अब ये कंपनी द्वारा जांच का विषय है कि हादसा किस प्रकार हुआ था। प्रथम दृष्टया मैंने किसी को पूछा था प्लांट के आदमी को, उन्होंने यही बताया कि बरसात में बिजली गिरने से टैंक फट गया। उदयपुर के कोट